हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे मैदा आलू की रोटी। इसको बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया हुआ है, इसको छान के रखा हुआ है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया हुआ है, 1 टीस्पून नमक, ऑयल रोटी को ग्रीस करने के लिए, 3 बॉयल आलू लिए हुए हैं जिनको मैंने ठंडा करके छील के रखा हुआ है, डस्टिंग के लिए मैदा लिया हुआ है। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर, नमक, थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसको बचा लेंगे। अब डो तैयार करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को हमने तैयार कर लिया है। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें पानी भी हल्का सा यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब मैं इसमें ऑयल लगाऊंगी, हल्का सा नीट कर लेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है, तवे को हम गर्म कर लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे, उसको बेल लेंगे। अब हम इसे मैदा में डस्ट कर लेंगे और बेल लेंगे इसको। अब हम इसे बेल लेंगे। चारों तरफ से किनारियों पे से हम इसको बेलते जाएंगे और थोड़ा बढ़ा देंगे। रोटी को हमने बेल लिया है, अब हम इसको कट कर लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल से। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और रोटियों को तवे पे डाल देंगे। सिकने देंगे इनको। इसी तरीके से हम दूसरा तैयार कर लेंगे। अब हमें इस साइड भी ऑयल लगाकर ग्रीस कर देंगे। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे, ये अच्छे से सिक चुके हैं। अब इनको हल्का सा ऑयल लगाकर चिकना कर देंगे और इनकी साइड को चेंज कर देंगे। दोनों साइड से ये अच्छे से सीख चुके हैं। रोटी हमारी दोनों साइड से सीख चुकी हैं, अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हल्का सा तवे को फ्रीज कर लेंगे हम ऑयल लगाकर, और सभी बाकी बच्चे और रोटियों को भी इसी तरीके से सेक लेंगे। तरीके से दबाते हुए हम इनको सेक लेंगे। सभी की साइड को हम चेंज कर देंगे, एक साइड से हो चुके हैं। सभी रोटियों को हमने सेक लिया है, गैस को मुक्त कर देंगे, इनको प्लेट में सर्व करेंगे। सभी आप आलू की रोटियों को गर्मा गर्म बटर के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।